हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर प्लस नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू अवर एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम दो तीन चीज़ें जो रह गई है, नैनो कैंटिलीवर्स, ठीक है, नैनो बायोसेंसर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल नैनो बायोसेंसर्स, ठीक है। नैनो सेंसर्स हमने देख लिया, अब बायोसेंसर्स भी होते हैं। तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी को बायोसेंसर्स में अगर हम यूटिलाइज करें, बायोसेंसर्स के साथ नैनो टेक्नोलॉजी को मिक्स करें, तो एक हमें बड़ा ही यूनिक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो नैनो कैंटिलीवर्स क्या होता है देखते हैं। नैनो कैंटिलीवर्स, दीज डिवाइस आर बीइंग यूज्ड टू डेवलप सेंसर दैट कैन डिटेक्ट सिंगल मॉलिक्यूल। यदि हमको सिंगल मॉलिक्यूल के साथ काम करना है, हमको सिंगल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना है किसी भी, तो हमें नैनो कैंटिलीवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। दीज डिवाइस आर बीइंग यूज्ड टू डेवलप नैनो सेंसर्स दैट कैन डिटेक्ट सिंगल मॉलिक्यूल्स। नैनो कैंटिलीवर्स एक डिवाइस है जिसका यूज हम सेंसर्स को डेवलप करने के लिए करते हैं, ठीक है। कैसे सेंसर्स को? ऐसे सेंसर्स को डेवलप करने के लिए करते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सके। अभी तक हम जितने भी पढ़े थे वो मास ऑफ मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता था। एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंस होता था, एक तत्व होता था जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते थे। पर अब हम जो कैंटिलीवर जो डिवाइस है, इससे हम ऐसे सेंसर्स बना सकते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। दीज सेंसर्स टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द नैनो कैंटिलीवर ऑसिलेट्स एट अ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दैट चेंज इट अ मॉलिक्यूल लैंड ऑन कैंटिलीवर, चेंजिंग इट्स वेट कोटिंग एंड कैंटिलीवर्स विथ मॉलिक्यूल सच एज एंटीबॉडीज दैट बॉन्ड टू पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस डिटरमाइंस वेयर बैक्टीरिया और वायरस विल बॉन्ड टू द कैंटिलीवर। मीन्स कैंटिलीवर से हम फिर से, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि बैक्टीरिया और वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम नैनो कैंटिलीवर से हम किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब सिंगल बैक्टीरिया वायरस, इन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाई कोडिंग से, कोडिंग करके, है ना, उनके वेट से, ठीक है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर डेवलप करके। तो वन एग्जांपल ऑफ नैनो पार्टिकल्स यूज्ड इन सेंसर इज अ हाइड्रोजन सेंसर। हाइड्रोजन सेंसर क्या है? H2 सेंसर। ये H2 सेंसर ये है पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल बेस्ड। कितने मॉलिक्यूल है? सिर्फ एक हाइड्रोजन का। कितने मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ही अणु है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन सेंसर, ठीक है, कैंटिलीवर से हम कौन सा सेंसर बना सकते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल सेंसर, और उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, क्या है? हाइड्रोजन सेंसर। तो जो हाइड्रोजन सेंसर होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ नैनो पार्टिकल्स यूज्ड इन सेंसर दैट कंटेन्स अ लेयर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पॉलीडियम नैनो पार्टिकल्स दैट आर फ्रेम्ड बाई अ बीडिंग एक्शन सिमिलर टू वाटर कलेक्टिंग ऑन अ विंड शील्ड, ठीक है। When hydrogen is absorbed, the palladium nanoparticles swell, ठीक है। palladium nanoparticle जो होता है वो इस सेंसर पे लगा हुआ होता है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन उस palladium particle पे absorb करती है, ठीक है,
एक पोलेडियम पार्टिकल होता है, ठीक। ये पोलेडियम पार्टिकल सेंसर में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जो होता है जब इस पे एब्जॉर्ब होता है तो पोलेडियम नैनो पार्टिकल जो होता है वो फूलने लग जाता है, स्वेलिंग आने लग जाती है उसमें, विच कॉजेज शॉर्ट बिटवीन नैनो पार्टिकल्स एंड लोअर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द पोलेडियम, ठीक है। मतलब जब ये फूलने लग जाती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। वो किसके बीच में रहता है, नैनो पार्टिकल और पोलेडियम के बीच में रहता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, इतना डीप में हमें नहीं जाना है, मैं सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिए कि नैनो कैंटिलीवर्स क्या होते हैं। नैनो कैंटिलीवर्स क्या होते हैं, नैनो कैंटिलीवर्स एक डिवाइस है, ठीक है। नैनो कैंटिलीवर्स क्या है, एक डिवाइस है जो जिससे हम सिंगल मॉलिक्यूल बेस्ड सेंसर बना सकते हैं, ठीक। सिंगल मॉलिक्यूल बेस्ड सेंसर जो होता है वो हमने अभी देखा, हाइड्रोजन सेंसर जिसको हम बोलते हैं, इस पे पोलेडियम नैनो पार्टिकल लगा हुआ होता है, जैसे ही हाइड्रोजन उससे कांटेक्ट में आती है पोलेडियम नैनो पार्टिकल जो होता है वो फूलने लग जाता है और उसकी रेजिस्टेंस चेंज होने लग जाती है। जब रेजिस्टेंस चेंज होने लग जाती है तो मैंने बताया था इसके पिछले वाली क्लास में कि जब कैपेसिटेंस चेंज होती है तो कितनी मात्रा में वो कैपेसिटेंस चेंज हुई, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उसको मेजर कर लेते हैं हम, वही हमारा डाटा हो जाता है, वही हमारी रीडिंग्स हो जाती है। अनदर यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अनदर यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इज इन द डिटेक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नैनो पार्टिकल का एक और यूज क्या है कि कितनी मात्रा में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वोलेटाइल हुआ है। वोलेटाइल मतलब उसकी वेपर बनती है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि वो वेपर फॉर्म में आ गया, कितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नैनो पार्टिकल का एक ये भी यूज है कि हम कितनी वेपर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गई है उसको भी मेजर करना, ठीक है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट बाई एम्बेडिंग मेटल नैनो पार्टिकल्स मेड ऑफ सब्सटेंस सच एज गोल्ड इन अ पॉलीमर फिल्म, हम कैसे बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं नैनो सेंसर से, मतलब नैनो सेंसर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे मेजर करता है। वो जो गोल्ड होता है, गोल्ड सब्सटेंस लगा हुआ होता है उसमें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उस पे एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजर करने के लिए कौन सा नैनो पार्टिकल लगा होता है, पोलेडियम पार्टिकल लगा होता है, जो फिर से स्वेलिंग आती है और यही सब चीज़ें हैं उसमें। इसमें इतना डीप में नहीं जाना है हमको, ठीक है। बस इतनी समझना है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल सेंसर क्या होता है, ये कैंटिलीवर्स क्या होते हैं। कैंटिलीवर्स वो होते हैं जो हम जिनसे सेंसर बनाते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल सेंसर, और सिंगल मॉलिक्यूल सेंसर कैसे वर्क करते हैं हमने ये देख लिया, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, इससे हम सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं डिग्रेडेड सॉइल है, ये हेल्दी सॉइल है, ये कैसे हुआ, नैनो जियोलाइट्स का यूज करके हमने सॉइल की कंडीशन चेंज कर दी, हेल्दी सॉइल इसका स्ट्रक्चर है ना, और इसके जो कहते हैं स्ट्रक्चर और टेक्सचर होता है जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर तो हम चेंज नहीं कर सकते पर टेक्सचर चेंज कर सकते हैं हम। तो टेक्सचर चेंज हो जाता है तो सॉइल हेल्दी हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, पोरोसिटी बढ़ जाती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं, डेवलप टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप प्रोडक्शन। नैनो सेंसर कुड ऑल्सो मॉनिटर क्रॉप एंड एनिमल हेल्थ एंड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल कुड रिमूव सॉइल कंटेमिनेंट्स। लैब ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी ऑल्सो कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग द नेशन, ठीक है। तो चिप भी हमने देखा था कि चिप भी बनाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से का यूज़ करके, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है ना, मॉनिटरिंग क्रॉप को मॉनिटरिंग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। नैनो बायोसेंसर्स, अब देखते हैं हम नैनो बायोसेंसर।
नैनो बायोसेंसर इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ बायोसेंसर विच मे बी डिफाइंड एज अ कॉम्पैक्ट एनालिटिकल डिवाइस और यूनिट इनकॉर्पोरेटिंग अ बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकली डिराइव्ड सेंसिटाइज्ड एलिमेंट लिंक्ड टू अ फिजिको केमिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, नैनो बायोसेंसर्स क्या है? बायोसेंसर्स, नैनो बायोसेंसर्स, जब हम नैनो की बात करेंगे तो एक रेंज की बात करेंगे 1 to 100 नैनोमीटर, और अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडिफायर है, ठीक है, नैनो मॉडिफायर जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो नैनो बायोसेंसर सेंसर्स को का मॉडिफाइड रूप है बायोसेंसर्स, ठीक है, जिसमें हम बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकली डिराइव्ड सेंसिटाइज्ड एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली डिराइव्ड सेंसिटाइज्ड एलिमेंट का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नैनो बायो सेंसर्स। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये एक तो हाईली स्पेसिफिक फॉर द पर्पस ऑफ द एनालाइज, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस को एनालाइज करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। अ सेंसर मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालाइट एंड एनी अदर मटेरियल, ठीक है, मतलब कुल मिला के सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये बहुत ही अच्छे डिवाइस होते हैं, हाईली प्रिसाइज डिवाइस होते हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये स्टेबल अंडर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्टेबल, और ये स्पेसिफिक यूज होता है इनका। ठीक है, सबसे पहला हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक। दूसरा, ये क्या होता है? स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एट नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन। थर्ड वन क्या है? स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन एनालाइजेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल पैरामीटर सच एस स्टीरिंग, टेम्परेचर, है ना, ह्यूमिडिटी। तो ये हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इनके बीच में, फिजिकल पैरामीटर्स के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, एक प्रकार से कहने का मतलब। रिएक्शन टाइम नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन टाइम शुड बी मिनिमम, जो रिएक्शन का जो टाइम होता है नैनो बायोसेंसर्स या नैनो बायोसेंसर्स में, रिएक्शन का टाइम क्या होता है? मिनिमम होता है। रिस्पॉन्सेस ऑब्टेंड शुड बी एक्यूरेट, प्रिसाइज, रिप्रोडक्टिबल एंड लीनियर ओवर द यूजफुल एनालिटिकल रेंज एंड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नॉइसेस। कोई प्रकार की मतलब आवाज़ें नहीं आती है, बहुत प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, रिप्रोड्यूसिबल डाटा होता है, हम उसको फिर से डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, लीनियर ओवर द यूजफुल एनालिटिकल रेंज, एक लीनियर वैल्यू देता है। ठीक है, नैनो बायोसेंसर मस्ट बी नैनो बायोसेंसर मस्ट बी टाइनी, बायो कंपैटिबल, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एंटीजेनिक। एंटीजेनिक मतलब किसी भी दूसरी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, एक तो। दूसरा, ये छोटे होते हैं, टाइनी मतलब छोटे, बायो कंपैटिबल मतलब कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान पे, किसी भी सिचुएशन में, जिस तरह से हम चाहते हैं तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जहरीला जहर इसमें मतलब विषैले का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं। शुड बी चीप होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय सेमी स्किल्ड ऑपरेटर्स, कोई भी सेमी स्किल्ड ऑपरेटर, एक स्किल्ड ऑपरेटर होता है, सेमी स्किल्ड ऑपरेटर होते हैं,
ठीक है, तो कोई भी इसको सेमी स्किल्ड ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है, बट एक बार इसको बता दें कि किस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, रोल ऑफ नैनो बायो सेंसर्स इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ नैनो बायो सेंसर्स इन एग्रीकल्चर, यही हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रोल ऑफ नैनो बायो सेंसर्स इन एग्रीकल्चर। ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है कि नैनो बायो सेंसर्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, या नैनो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रेजेंटली नैनो मटेरियल बेस्ड बायो सेंसर्स एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग प्रॉस्पेक्ट्स ओवर ट्रेडिशनल बायोसेंसर्स। मतलब जो ट्रेडिशनल बायोसेंसर्स थे उसकी तुलना में आजकल नैनो मटेरियल बेस्ड जो बायोसेंसर्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा चलन में है, या उनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जो हमारी आज की नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, नैनो बायोसेंसर्स हैव मार्क्ड एडवांटेजेस सच एज एनहेंस्ड डिटेक्शन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी तो थी सेंसर्स में, बट उसमें और ज़्यादा सेंसिटिविटी लाने के लिए, ठीक है, उसमें और ज़्यादा सेंसिटिविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, देख लीजिएगा, सेंसिटिविटी को हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग। तो उसमें अगर और ज़्यादा इन्हेंस्ड डिटेक्शन सेंसिटिविटी, और ज़्यादा सेंसिटिविटी लाने के लिए हम नैनो बायो सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक काम के लिए, पर्टिकुलर एक वर्क के लिए जो चाहिए हमें बस वही टू द पॉइंट, तो वहाँ पर नैनो बायो सेंसर्स का यूज़ हम कर सकते हैं। एंड पजेस ग्रेट पोटेंशियल फॉर इट्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंट एंड बायो प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, बायोडिफेंस एंड पर्टिकुलरली मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट पोटेंशियल है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा उपयोगी है इन सब फील्ड में। ठीक है, तो बट हेयर वी आर कंसर्न विद द रोल ऑफ यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हमको सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद अपन यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक है,